हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नबील अशदन ब्लॉग्स पे। बाल कैसे होगा? तो फ्रेंड्स, टाइटल और थंबनेल देखकर तो कुछ ना कुछ समझ में आएगी होगा। तो जी हाँ, आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक छोटी सी रेसिपी जो कि अभी बहुत ज्यादा रील्स में और शॉर्ट्स में वायरल है, अंडे की रेसिपी। तो अब आप लोग कहोगे भाई ये अंडा क्या चीज देख रहे हो, अंडा तो सबको आता है बनाना। तो जी हाँ, आज मैं कुछ अलग बनाने वाला हूँ, लेस के साथ एग ऑमलेट कह लो या कुछ भी। अब फिर कहोगे यार तवे में अंडा बनाओगे ऑमलेट, उसके ऊपर कुछ चिप्स के दाने रख दोगे, बन गया लेस, तो ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल एक नई रेसिपी है। तो नीचे में आप देख सकते हैं काफ़ी इस तरह की रील्स अभी वायरल हो रही है और सब खा कर कहते हैं कि तो मैं भी सोचा कि चलो देखते हैं कि सच में टेस्ट ऐसा होगा या ऐसा होगा। और पहली बात तो बनता भी है कि नहीं, सच है कि झूठ है, पता नहीं फेक है कि सच है। तो आज लोग बनाने जा रहे हैं तो कैसे बनेगा नहीं बनेगा सब कुछ बताऊंगा, एकदम नया तरह का ब्लॉग है तो मज़ा आने वाला है। और खा के बताऊंगा अच्छा हुआ तो आप लोग को रेकमेंड करूंगा, आप भी ट्राई करना, बहुत इजी है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए सब पहले हम लोग सामान जो है मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, एक जगह रख लेता हूँ जो जो सामान है, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो आप लोग बने रहिए, मिलता हूँ थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है सामान ले लिया है, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी प्याज को काट लिया है बारीक, जैसे काटी जाती है अंडों के लिए। और यहाँ पे मिर्चें मैंने सी एक ही ली है, यहाँ पे एक 10 वाला लेज है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। और हाँ, इसमें दो अंडे लगेंगे तो पहले मैं दो अंडे ले आता हूँ, उसके बाद आप। यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा टमाटर भी ले लिया है, एकदम ये इतना सा बस, थोड़ा सा कलरफुल रखने के लिए, नहीं तो कलरफुल नहीं लग रहा था इसीलिए देखने में। इसको भी एकदम बारीक जितना हो सके काट लीजिए। बस ये हो गया। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ मेरे चेहरे पे कुछ नहीं होगा जो भी यहाँ पे, यहाँ पे इसे हम एकदम ऊपर से काटेंगे क्योंकि हमें ये प्लास्टिक का ही काम है। और इतना इसका वायरल हुआ है, सब खा के तो ऐसे करते हैं कि क्या बन गया। तो मुझे देखना सच बात है कि सब बस वीडियो के लिए जो झूठ कह रहे हैं, तो सब बड़े वाले में करते हैं, मैं पैसे की बर्बादी नहीं करूँगा क्योंकि अब कैसा बनेगा अगर अच्छा नहीं बना तो अल्लाह ने, अगर पूरा पैसा बर्बाद होगा। तो मैंने यहाँ पे 10 वाला लेज लिया है पूरा जो कि यहाँ तक भरा हुआ है, तो इसी में सब कुछ होगा। तो सबसे पहले हम जो इसमें जो प्याज काटे हैं छोटी सी एक, उसको पूरी डाल देंगे इसमें। और जो मिर्चें मैंने एक ही काटी है क्योंकि ज़्यादा नहीं काटी, ज़्यादा हम लोग खाते नहीं मिर्चें। और थोड़ा सा जो टमाटर काटा है वो, अरे आ जा भाई एक बार में, इतना उठ गया। तो ये रहा, यहाँ पे मैंने डाल दिया, इसको यहाँ रखते हैं। अब इसमें जो है अंडे जाएंगे, तो पूरे अंडे चले जाएंगे और ये जर्दी के साथ जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि जर्दी बाहर रखनी है, कुछ भी नहीं, सब कुछ अंदर। और अब दूसरा भी चला गया। इसमें अब मैं क्या डालूंगा मैं दिखा रही हूँ, इसमें सिर्फ मैं थोड़ा डालूंगा ब्लैक पेपर, क्योंकि नमक नहीं डालूंगा क्योंकि लेस का खुद एक अपना बहुत अच्छा नमक और मसाला होता है। तो कुछ नहीं डालूंगा एक्स्ट्रा, सिर्फ थोड़ा सा ये डालूंगा, वो भी थोड़ा सा बस, क्योंकि इसका एक फ्लेवर आ जाएगा तो मजा आता है खाने में। यहाँ पे मैंने सब मिला दिया, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे करके अब इसको हम लोग इसी में मिला लेंगे अच्छे से, कि अंडा और जो भी है चिप्स सब मिल जाए। और जो मैंने मसाला मतलब वो डाला है ब्लैक पेपर, वो भी इसमें मिक्स हो जाए। तो चलिए पहले इसको मैं अच्छे से इस तरह से मिला लेता हूँ 15-20 सेकेंड, फिर आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी जो है अच्छे से मैंने मिला लिया, ये देखिए मिलाने के बाद कुछ इस तरह का हो गया ये। अब इसे हम जो ऊपर से एकदम सील पैक कर देंगे कि इसके अंदर हवा या कुछ भी नहीं जाए। और इसमें मैं अपना जुगाड़ करना पड़ेगा, अगर आपके पास स्टेपलर है तो स्टेपलर मार दें। तो स्टेपलर अभी मेरे पास है लेकिन कहाँ है नहीं मिल रहा है, पता नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से रबड़ से लॉक करूँगा देसी जुगाड़ के हिसाब से करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा देखिए पैक हो गया, एकदम सील हो गया ये। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो मेरा रबड़ लग गई, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गैस को हाई फ्लेम में करके और यहाँ पे पानी भर लिया एक उसमें फ्राई पैन में, इसको गर्म करेंगे। तो हल्का सा भी गर्म हुआ है तो हम इसको डाल सकते हैं। तो अब ये पैकेट को हम इस तरह से इसमें डालकर पूरा अंदर तक, और इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब ये बिल्कुल जैसे उबाल होता है, जैसे बॉइल्ड होते हैं एग्स, उसी टेम्परेचर में आएगा। जब एकदम उबाल में आ जाएगा तो बिल्कुल इसको जब फुल उबाल आएगा उसमें इसको 5 से हम लोग 10 मिनट छोड़ देंगे। तो इसको 5-10 मिनट इसको पकने दीजिए, जब बन जाएगा उसके बाद क्या करना है फिर आपसे दिखाता हूँ। तो आप लोग बने रहिए, मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो है आप देख सकते हैं
सो फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं मैंने लगभग 15-16 मिनट इसको छोड़ दिया है, तो पानी मैंने यहाँ तक था, बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया, तो मैंने और थोड़ी देर ज़्यादा ही छोड़ा है, ऐसे 10 मिनट में लेकिन मैंने 15 मिनट छोड़ा है। तो अब यहाँ पे हम इसे गैस ऑफ कर लेते हैं, बहुत गर्म है तो इसे हम डायरेक्ट नहीं पकड़ेंगे नहीं तो हाथ के 12 बज जाएंगे। तो हम इसे करेंगे, दूसरे प्याले में ट्रांसफ़र करते हैं चिमटी की मदद से और हम इसे यहाँ रखते हैं, इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालते हैं कि नॉर्मल हो जाए, उसके बाद इसे हम खोलेंगे और आपको दिखाते हैं। तो हम इसे काफ़ी गर्म है यहाँ पे, हमने यहाँ पर थोड़ा ठंडे ही पानी लिया फ्रिज का। इससे पहले हम जो है कैंची से काटते हैं, अब देखते हैं कितने पानी में है और कितनी सच्चाई है, अगर अच्छा हुआ तो मैं ज़रूर बताऊँगा, बुरा हुआ तो फिर वो तो मेरे एक्सप्रेशन बता देंगे। हमारा लेज वाला अंडा तैयार है खाने के लिए, खुशबू आ रही है, खुशबू तो अच्छी आ रही है, नॉट बैड, मतलब कच्चा नहीं है अंडा, ये समझ में आ रहा है कि बदबू नहीं आ रही है कच्चे वाली। हम अच्छे से खोल लेते हैं थोड़ा सा, ओए वाह, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल इस तरह का बिल्कुल लग रहा है पॉकेट ऑमलेट, जैसे आता है ना वो चिकन पॉकेट, वो पैकेज टाइप का आता है या बर्गर, तो उसी टाइप का लग रहा है। इसे हम अब क्या नाम दें, आप ही बताओ कमेंट करके इसे, इस रेसिपी इस चीज़ को क्या नाम दें। इसे हम यहाँ पर स्लाइस कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई देखने में तो, बिल्कुल ये वैसा केक हो गया, ये तो एग केक। हाँ चिकन केक आपने खाया होगा, फिश केक खाया होगा, आज मैंने आपको एग केक विथ लेज खिला रहा हूँ। देखते हैं कैसा है खाने में, कैसा है, काफ़ी भारी है भाई। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, चलिए पहले हम इसको प्लेट में अच्छे से थोड़ा सा निकाल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी से हम लोग ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा कुछ सोचा था लेकिन बहुत ही वाहियात हो गया, अल्लाह माफ करे। तो चलिए तब भी देखते हैं ये कैसा है, कच्चेपन की तो बिल्कुल नहीं आ रही, थोड़ा अजीब लग रहा है खाने में, सोच रहा हूँ खाऊं, बिस्मिल्लाह वाले। ये सच में बिल्कुल चिकन केक ही हो गया, बिल्कुल लग रहा है ऑमलेट की जो खुशबू आती है वैसी है, और नमक मैंने बिल्कुल नहीं डाला, अच्छा हुआ क्योंकि काफ़ी नमक पहले से था मसाले का, तो बिल्कुल फीका नहीं है। और टेस्ट की बात करूं तो बुरा नहीं लग रहा है खाने लायक, मतलब अच्छा लग रहा है खाने में, और बीच में जब लेज आ रहे हैं तो वो और मज़ा आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ट्राई करते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, पैसा बर्बाद नहीं है, खा सकते हैं। अगर आपको ऑमलेट पसंद है इस तरह का तो आप खा सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा इसके लिए, अगर आप ट्राई करते हो जब भी तो 20 वाला लेज यूज़ करें, क्योंकि इसमें क्या है लेज बहुत कम हो गया 10 वाले में, तो आ रहा है जब लेज आ रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्रंची क्रंची आ रहा है मुँह में, और प्याज व्याज भी आ रहा है तो अच्छा लग रहा है खाने में, विदाउट तेल बनाइए, मैंने एक बूंद भी तेल नहीं डाला है, तो मैं तो क्या बोलते हैं हेल्दी फूड है, क्योंकि तेल वेल कुछ नहीं है, कुछ मसाला नहीं है, जो था वही है। तो ऐसा है कि आप अगर इवनिंग स्नैक्स के बतौर बना के खा सकते हैं, और जो लेज के टुकड़े आ रहे हैं वो बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं आपको बार बार कहूँगा जब भी बनाएं तो लेज जो है कम से कम 20 वाला ले तो बनाएं, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस यही था फ्रेंड्स, बाकी थोड़ा सा कैमरा मैन खाएगा, साहिबा लोग खाएंगे, चखेंगे सभी। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, अब इसका ये मत समझ लेना बहुत अच्छा है ऐसा, तो जैसा कि मतलब मैं सोच रहा था बहुत वाहियात होगा या बुरा होगा, तो वैसा नहीं है, आप खा सकते हैं, पैसा आपका कम से कम बर्बाद नहीं होगा, और इवनिंग स्नैक्स के बतौर आप ट्राई कर सकते हैं। तो रेफरेंट आपको मैं ये कहूँगा आप लोग जरूर ट्राई करें, नई चीज़ है तो मे भी आपको बहुत अच्छा भी लग सकता, हो सकता है किसी को नहीं भी अच्छा लगे, लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वाला, पैसा बर्बाद नहीं होगा और बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा नहीं, बीच का है, खाने लायक है। तो बस यही था आज का ब्लॉग फ्रेंड्स, अगर मज़ा आया तो क्या करना आपको पता ही है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें,
और ब्लॉग पसंद आए तो इस ब्लॉग को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस रेसिपी का क्या नाम देंगे आप भी प्लीज़ कमेंट करें। अगर आप ट्राई करते हो तो नीचे इंस्टाग्राम का मैं अपना आईडी दे रहा हूँ, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर लेना अगर नहीं किया है तो। अगर आप कभी भी ट्राई करते हो तो प्लीज़ मुझे आप स्टोरी में टैग करना, तो मैं भी उसको जो आपको फिर टैग करूँगा अपनी स्टोरीज में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता है नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और बाय।